घरों का स्वागत करते थे और कहीं ना कहीं ये परिवार ने जो खोया है ये बहुत दुख तकलीफ देने वाला है कि आज ऐसे लोग जो झारखंड को आगे ले जाने का काम कर सकते थे उनकी शहादत का आज ये दिन बहुत दुखद तरीके से हम याद कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी जो सपना गुरुजी ने देखा है, जो सपना बसंत चाचा जी ने देखा है, जो सपना विशु चाचा जी ने देखा है, ये आप सब लोगों को आगे बढ़ करके मिल करके इसको मजबूती देना है। और आज जिस तरीके से अत्याचार जैसे पहले भी होते हुआ आया है, आंदोलनकारियों को कोई मोहब्बत की नजर से नहीं देखता था, घृणा की नजर से देखता था कि कहां से सपना ये इन लोगों में आया है जो एक अलग राज्य झारखंड का अलग राज्य मानने के लिए आगे खड़े हो गए हैं। लेकिन देखिए जब एक अलग अस्मिता की बात आती है, झारखंड की अस्मिता की बात आती है, तो हमारे झारखंड के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके काम किया है और झारखंडी होने का गौरव भी आज हम तो ले रहे हैं। तो आप सब लोगों के कहीं ना कहीं तकलीफ आप लोगों ने भी, आपके परिवारों ने भी गुजरा होगा, उसको लेकर के हम लोगों ने भी तकलीफ करके आज यहाँ पर भी हम मुकाम में पहुंचे हैं। लेकिन सपना अभी अधूरा है। अगर आपको इस सपने को पूरा करना है, करवाना है, गुरु जी के सपने को, विशु चाचा के सपने को, बसंत जी के, चाचा जी के सपने को, तो मुझे लगता है अभी हमारा आने वाला जो चुनाव है, एक चुनाव तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन ये चुनाव में आप लोगों की जो भूमिका रहती है वो सर्वोपरि रहती है, कि आप ही जनता है, आप ही हमारे मालिक है, आप ही हमारे भगवान है। तो मैं ये जरूर चाहूंगी जिस तरीके का इन लोगों ने दुस्साहस किया है, बीजेपी वालों ने हेमंत जी को जेल के अंदर डालने का और ये दिखाने का कि एक आदिवासी नेता इन लोगों को पसंद नहीं आता, एक आदिवासी मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता है, ये आदिवासी मुख्यमंत्री सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं सोचता है, ये सब समाज के हर एक वर्ग को लेकर के आगे चल रहा है, चाहे महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए हो, पेंशन से जोड़ने का काम किया है, राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया है, अब वो आवाज से जुड़ने का काम किया है, बच्चों की पढ़ाई कैसे बेहतरी हो उसको मजबूत करने का काम किया है। तो अगर इस कम क्षण में भी, इन चार वर्षों में भी, अगर हेमंत बेटा, हेमंत दादा आपका इस तरीके से काम कर रहा था, तो मुझे अब आपके सहयोग की इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो इन लोगों ने दुस्साहस दिखाया है, इस दुस्साहस का जवाब हमको विधानसभा के चुनाव में देना होगा। और इस चुनाव में इसलिए देना होगा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री अगर सारे समाज को जोड़ करके, हर एक वर्ग को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर सकता है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, आपके राशन पेंशन में हो, इस बेटा को और मजबूत कराना है। और इस बेटा को मजबूती अगर दिलाना है तो हमारी खासकर की दीदी बहने हैं जो यहाँ पे भारी संख्या में आई हैं, मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरीके का प्यार सम्मान मुझे दिया है, गांधी में पहले एक महिला विधायक को आपने चुना है, मैं चाहूंगी कि मेरी सारी बहने दीदी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। और आप इसका संकल्प लीजिए क्योंकि अभी ज्यादा वक्त हमारे हाथ में नहीं है, ये झारखंड हमेशा तिरस्कृत हुआ रहा है। अगर यहाँ पे भाजपा की भी सरकार रहती थी, उन्होंने झारखंड में कभी विकास का काम नहीं किया। और हेमंत जी जब से यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री बने, आप लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री बने, उनका बढ़ते हुए योजनाएं जो धरातल में ला रहे थे वो सारे वर्ग को इसके लिए ला रहे थे और सब लोगों को उससे फायदा हो रहा था। उसके बावजूद भी उनको रोकने का जो प्रयास किया है हमारे सारे झारखंड में गांडे के साथ साथ, आपने जो प्यार दिया है, आने वाले हमारे विधानसभा चुनाव में आप लोगों को करारा जवाब देना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? और दोनों हाथ उठा के खड़े दिखा दीजिए कि आप लोग तैयार हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे झारखंड का विकास अगर करना है तो आप लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ जुड़ना होगा। ये वही पार्टी
होती है, जिसने अस्थी के दर्शन में भी गुरु जी हमारे बसंत चाचा जी विष्णु चाचा जी के साथी सारे लोगों ने मिलकर के उस समय जब झारखंड राज्य से अलग करवाया था तो आप लोगों के द्वारा भी अलग करवाया था। और अगर आगे विकास अगर आपको चाहना है तो अगर आप विकास की उम्मीद रखते हैं तो हेमंत सोरेन जी जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे आज झारखंड सरकार को आप लोगों को आगे बढ़ाना होगा। हमारी योजनाएं आ रही है, अभी 200 के भी यूनिट फ्री बिजली का भी योजना आ रही है। हमारी महिलाओं के लिए 25 साल से लेकर के 50 साल की जो महिलाएं हमारी छूट गई थी उन लोगों को भी हम प्रोत्साहन राशि देने का काम करने जा रहे हैं। और ये इसलिए देने का काम कर रहे हैं ताकि हमारे बेटे बेटियां जितनी हैं वो मजबूत हो सके और हमारे भाइयों ने बहुत मजबूती के साथ में इस कड़ी धूप में भी हमारे चुनाव में प्रोत्साहन दिया था, हमको सहयोग किया था। और आप लोगों का मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो आंदोलनकारी खून हमारी इस धरती पे यहाँ बहा है इसको आगे हम लोगों को मजबूती के साथ इसलिए खड़ा रखना है। अगर यहाँ पर मैं झामुमो रहेगा तभी विकास हो पाएगा। आपने सिर्फ ये 2 साल के अंतराल में जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं सिर्फ ये 2 साल के अंतराल में कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले का 2 साल हमारा कोरोना में बीता है। और कोरोना के समय में आपके हेमंत दादा ने जिस तरीके से अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए सारे लोगों को जोड़ने का उनकी भूख से ना मृत्यु हो उसके ऊपर कार्यक्रम किया था। हमारे मजदूर बाहर से आए उनके लिए झारखंड में आने का रास्ता बनाया। कौन सोचता है अपने राज्य के मजदूरों के बारे में, आप बताइए। राज्य के मजदूर के बारे में जब कोई सोचने वाला, ये पहला राज्य है जहाँ पहली ट्रेन भी चली थी तो यहाँ के लिए चली थी, ये सोचने वाले आपके हेमंत दादा हेमंत सोरेन हैं। और आज देखिए किस तरीके का षड्यंत्र उनके जेल के अंदर में डाल दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आपने मजबूती के साथ सहयोग किया है इसको आगे बरकरार रखना है। और विधानसभा चुनाव के समय में भी हम सबको मिलजुल करके जिस तरीके से झारखंड अलग राज्य का निर्माण हमारे गुरु जी के साथ हमारे अगुआ साथी बसंत पाठक चाचा जी ने भी किया था, मुझे लगता है इस दिवस को एक दिन में याद नहीं रखना है, हर दिन याद रखिएगा कि झारखंड का नाम गर्व से कैसे हम ले सके। उनके लिए उन्होंने अपना खून बहाया है तो वो खून बहा रहे आज के इस दिन को हमेशा याद रखिए। एक दिन का शहादत दिवस होता है लेकिन झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को सबको मिलजुल करके हम सबको मिलजुल करके चाहे हम किसी भी जाति समाज किसी से भी ताल्लुक रखते हो हम लोगों को मिलकर के आगे बढ़ना है। और बस अपनी बातों को